इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट साइंस एंड टेक, जो भी 15 अप्रैल से लेकर 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक जो भी साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट्स हुए हैं, मेन मेन बातें उसकी, जितने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम लोग आज अभी एक डेढ़ घंटे में जो भी टाइम मिलता है कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है आपको। इस बार दो बातें अभी करेंगे इस क्लास में, उसके बाद में फिर जो है इवनिंग वाली जो क्लास है 8:30 वाली, उसमें इंशाल्लाह अगर आज मैं 8:30 पे शुरू कर दूंगा, कोशिश ये रहेगी, और एक दो घंटे का टाइम देकर उसमें 10:30 बजे तक, 8:30 से 10:30 तक मैं आपका जो है कोशिश करूंगा कि पूरी इकोनॉमी कवर कर दूं, क्योंकि इकोनॉमी में जो भी है बजट वगैरह भी हैं, तो एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे और जो स्कीम्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, उसके लिए लगभग एक घंटे का टाइम रखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसके लिए एक घंटे का टाइम रखेंगे बाकी जो चीज़ें हैं। तो दो टॉपिक्स अभी कवर, आज एक टॉपिक कवर करेंगे साइंस एंड टेक वाला अभी, और अगला टॉपिक हम कवर करेंगे इकोनॉमी वाला, वो अभी 8:30 बजे, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फॉर आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद में फिर कल का हम मैं फिर आपको इवनिंग में बताऊँगा कैसे करना है। तो आपका होमवर्क आप लोगों को मैंने जो दिया था, मैंने आपको नेशनल और इंटरनेशनल वाला दिया था, बाकी ये सब मैंने बताया था मैं करा दूंगा, इकोनॉमी और ये जो आपका साइंस एंड टेक को करा दूंगा, तो उसमें से इन्वायरमेंट करा दूंगा, तो इन्वायरमेंट मैंने करा दिया था, कल बात हो गई थी लगभग। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो भी अवेलेबल है अगर नहीं हो तो। और यहाँ पे आज हम लोग साइंस एंड टेक की बात करेंगे, जिनका साइंस बैकग्राउंड है वेल एंड गुड, नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उतना अगर आ गया एग्जाम में तो इतना बता दूंगा कि आपको याद रह जाएगा अगर इसमें से कुछ आया तो, ठीक है भाई। आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए तो हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन अगर बुक है तो उसमें देखिएगा, वैसे पियाजी आप लोग सब लोग देखिए करंट न्यूज में साइंस एंड टेक, देखिए इंडियन स्पेस पॉलिसी इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ, इस इंडियन स्पेस पॉलिसी मतलब देखिए हर कंट्री की एक स्पेस पॉलिसी होती है अपनी, हमारी भी इंडियन स्पेस पॉलिसी कैबिनेट यूनियन कैबिनेट ने जो है इसको 6 अप्रैल 2023 में अप्रूव किया है, ठीक है। और इसमें बस आपको याद क्या रखना है, वो याद करने वाले पॉइंट बता दे रहा हूँ। एक तो ये ध्यान रखना है कि इसरो का एक कॉमर्शियल विंग बनाया गया है, इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडियन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक कॉमर्शियल विंग है इसकी, और इसमें ये कोशिश की गई है अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें कि इसरो को ज़्यादातर रिसर्च वगैरह में ही ध्यान रखा जाए, उसको बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब नई जो पॉलिसी हमारी आई है वो ये है कि भाई इसरो जो है वो अपना रिसर्च वो रिसर्च वाला काम करे, और बाकी जो कॉमर्शियल काम है या कुछ ऐसे काम है तो उनको प्राइवेट एंटिटीज़ वगैरह देखें। अभी हमारा जो है ना इंडिया में ग्लोबल स्पेस का जो इकोनॉमी का less than 2% हम लोग स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, ग्लोबल जो स्पेस इकोनॉमी है उसका, और ये हम चाह रहे हैं कि हम इंक्रीज़ कर दें लगभग 10%। ओके ओके ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये लगभग 10% हम लोग कर पहुंचा दें, एक ये है। और पॉलिसी क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो पॉलिसी हमारी ये है कि भैया देखो ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, ठीक है, ये पे बात की गई है, प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करे, और इसरो का मेन फोकस रहे, इसरो का जो मेन फोकस हो न्यू टेक्नोलॉजी नया सिस्टम रिसर्च वगैरह करने का हो, और उसको ऑपरेशनल प्रोडक्शन काम पे ना हो, मतलब ये क्वेश्चन बना सकता है, ऑप्शन बना सकता है कि इट विल नॉट डू एनी ऑपरेशनल और प्रोडक्शन वर्क, ठीक है, वो ऑपरेशनल प्रोडक्शन वर्क इसरो नहीं करेगा, इसरो क्या काम करेगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी न्यू सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी पे बात करेगा। तो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो हमारी पॉलिसी का पार्ट हो रहा है, यानी हमें हमारे लिए एक पॉलिसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें चेंज किया गया है न्यू पॉलिसी के अंदर। दूसरा PSU के ग्रुप में एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक कॉमर्शियल विंग बनाई गई है इसरो की, ठीक है ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ हैं उन सबको ये करेगा, कॉमर्शियल आर्म होगा इसरो का, ये बात आप याद रखिए। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, तो आप ये बता दीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका क्या नाम है, इन स्पेस जो है ये तो इन स्पेस ने अनाउंस किया हुआ है कि 2020 के अंदर फॉर्मली इनोग्रेट, मतलब इसको अनाउंस किया गया था 2020 में, फॉर्मली इनोग्रेट किया गया 2022 में। और ये क्या है, ये इंटरफेस है बिटवीन इसरो, ये इंटरफेस है बिटवीन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़, मतलब ये इन स्पेस जो ला रहा है उसका मतलब ये है कि हम लोग प्राइवेट एंटिटीज़ को भी एंट्री दें, और अभी दे भी रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और कई सारे तो ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी प्राइवेट कंट्री, जैसे स्पेस एक्स वर्ल्ड में आपको पता है स्पेस एक्स जो है वो नासा
नासा को भी टक्कर दे रहा है अपने उसमें फेल्कॉन हैवी फेल्कॉन 9 ऐसे लॉन्च कर करके, मतलब ये एलन मास्क वाला स्पेसएक्स। उसी तरीके से अब हमारे यहाँ भी स्काई रूट वगैरह कई सारे आ गए हैं जो कि वो कर रहे हैं, मतलब इसरो के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। बायोटेक किसान स्कीम, ये बायोटेक किसान स्कीम क्या है, बेसिकली किसानों को डेडिकेटेड एक वो है, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो डोंट वरी। ये स्कीम के ऊपर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसको करना है बेसिकली, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह के लिए बायोटेक को यूज़ करना है किसानों के लिए, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद में फिर 3D प्रिंटिंग धवन 2 इंजन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3D प्रिंटिंग आप लोग सबको पता है भाई, ठीक है, हाँ भाई बताइए, 3D प्रिंटिंग सबको पता है, नहीं पता तो जल्दी बोलो यार, नहीं पता टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, हाँ किसको नहीं पता है सलमान, 3D प्रिंटिंग मैंने बताया है, नहीं बताया, अरे यार 3D प्रिंटिंग तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम भूल गए यार, कैसी ऐसी बातें करते हो भाई, अरे यार 3D प्रिंटिंग एडिटिव टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि कोई भी चीज़ बनाना है आपने कंप्यूटर पे बनाया और उस पर मतलब सेटअप लगा दिया, यहाँ तक कि 3D प्रिंटिंग से मैंने बताया हार्ट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, मतलब एक बार उसी में वो कर दिया, जैसे प्रिंटिंग होती है उसी तरह 3D शेप में बन के आ जाता है, तो वो आपको पता है कि मतलब पूरा सेटअप लगा दिया जाता है, मटेरियल वटेरियल उसमें डाल दिया जाता है और फिर वो अपने हिसाब से जैसे कलर से कोई चीज़ आप निकाल लेते हो 2D में, उसी तरह 3D में वो बन जाता है। इसी तरह से 3D जो है 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन इन्होंने लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस, ये ठीक है हैदराबाद में, तो ये इसने लॉन्च किया हुआ है धवन 2 जो इसने लॉन्च किया है, ये बेसिकली टेस्ट फैसिलिटी जो इसने नागपुर महाराष्ट्र में की है, और ये स्काई रूट जो है ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस के अंदर जो है इसने लॉन्च किया हुआ है 2022 में। धवन 2 जो है बेसिकली इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज़ हुआ है, ठीक है, सतीश धवन के नाम पर, जो कि इमिनेंट जो है बहुत बड़े इसरो साइंटिस्ट थे, और धवन 2 जो है ये बिल्ड किया गया है, फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, धवन 1 के ऊपर ही बनाया गया है, ये 3D प्रिंटेड है, और ठीक है, तो इसलिए 3D प्रिंटिंग होने से क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगभग 95% रिड्यूस हो जाता है, तो ये है इसमें यूज़ किया गया है लिक्विड नेचुरल गैस LNG यूज़ किया गया है और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया गया है इसके अंदर प्रोपेलेंट के तौर पर, यानी कि प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल के तौर पर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3D प्रिंटिंग का मतलब यह है कि इसको फर्स्ट, और इतना अभी फिलहाल आप यह याद रखेंगे, अगर बैकग्राउंड नहीं पता है, वैसे मुझे नहीं लगता था कि आप इतना भूलोगे, पर अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन, ध्यान रखिएगा धवन 2 इंजन जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन है हमारे इंडिया में, जो कि हमने लॉन्च किया है, ठीक है, और जो कि क्या नाम है, इंजन डेवलप किया है कंपनी ने अपने हैवियर व्हीकल विक्रम 2 के लिए, और धवन 2 जो है वो उसने टेस्ट कंडक्ट किया भी रिसेंटली, और धवन किसके नाम पर है, जो है सतीश धवन के नाम पर है, बस ये कुछ बातें याद रखो। 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें मटेरियल को मतलब उसमें प्रिंटर वगैरह जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का प्रिंटर बना दिया जाता है, उसमें मटेरियल डाल दिया जाता है और वो अपने हिसाब से जो आप प्रिंट बनाते हो उसी को वो डिज़ाइन करके 3D में पेश कर देता है आपके सामने, मतलब डिज़ाइन करते हो आप उसी को प्रिंट कर देता है, एक तरह से बना के रख देता है, तो आजकल बहुत जगह पर हर जगह लगभग यूज़ होता है ये, ठीक है, इसको एक और उससे ज़्यादा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कही जाती है इसको, ठीक है, इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। इसरो का रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल मिशन है, एक RLV-LEX, ये क्या है, इसरो का रीयूजेबल टेक्नोलॉजी डिमोस्ट्रेशन है। रीयूजेबल मतलब क्या होता है, आपको पता है कि दोबारा यूज़ किया जा सके, इससे क्या होता है कि कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ एक बार यूज़ हो जाती है व्हीकल में बहुत सारे पार्ट उसके गिर जाते हैं, आपको पता है जब चलता रहता है फर्स्ट स्टेज वाला पार्ट गिर जाता है, फिर सेकंड स्टेज वाला पार्ट गिर जाता है, कभी रॉकेट लॉन्च देखिएगा, तो इस तरह से जब होता है तो उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। इसमें क्या है, रीयूज़ जब हो सकता है तो क्या होगा, दोबारा अगर यूज़ हो सकता है तो वो आपका कॉस्ट वगैरह सबको रिड्यूस कर देगा, तो इसके अंदर जो है हम पहली बार ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि इसमें फ्लाइट से लेकर हर चीज़ जो है
सारी चीज़ें दोबारा से रीयूज़ हो सकती हैं, तो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बनाने की कोशिश चल रही है। इसका एक कैनवस प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल मेट्रॉइड सावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेनी है। ये एक्चुअल में जापान कर रहा है, वो आर्टिफिशियल मेट्रॉइड ये मेट्रस जो होते हैं ना, जो वो शूटिंग स्टार होते हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी टाइम तक ये दिखे। बॉट ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गामा रेज, ये ब्राइट जो है बॉट जो है ये ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गामा रेज, ये क्या है, ये रेडिएशन है जो कि रेडिएशन फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ गामा रे बस्ट नॉन एज GRB 221009A। ये मतलब बहुत ब्राइटर गामा रेज डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है टेलीस्कोप ने, मतलब सेचुरेटेड गामा रेज डिटेक्टर है। मल्टीपल स्पेस टेलीस्कोप अर्निंग द नेम ऑफ बॉट, इसका नाम है ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, यानी बहुत क्लियर वो डिटेक्ट किया है गामा रेज को, तो इसलिए इसको क्या नाम है बॉट नाम दिया गया है। और आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रैब 22 ये क्या है क्या है, तो ये वो डिटेक्ट किया गया था अक्टूबर 22 को बाय नासा फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये एक थोड़ा बहुत एक दिमाग में रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ जाएगा, बस बोट क्या है अगर ऐसा पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, तो बोट कम से कम ये याद रखिए कि ब्राइट ऑफ ऑल द टाइम गामा रेज है, और ये बेसिकली रिलेटेड किससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखिएगा कि ये नासा से कि फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड है बस। ठीक है, ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाई 2030। अभी इंडिया में है ना एक वो बनाया जा रहा है कि मतलब ग्रीन टैगिंग बनाया जाए, हाइब्रिड टक जितने भी टक्स हैं जितने भी शिप्स हैं उनको 50% से ज़्यादा 2025 तक एक वो बनाया गया कि मेजर पोर्ट को, और उसके अलावा जो है कन्वर्ट कर दिया है 2023 तक सारे जो मतलब टक्स हैं और मेजर पोर्ट्स हैं उनको ग्रीन उसमें चेंज कर दिया जाए, मतलब ग्रीन सेफर फ्यूल में चेंज कर दिया जाए, तो इसके लिए ये चल रहा है ये। और इसके लिए जो है इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है, बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली GTTP क्या है, तो ग्रीन टैग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, जो कि हाइब्रिड मतलब जो मोटर बोट्स वगैरह होते हैं उसमें मेथनॉल अमोनिया और हाइड्रोजन वगैरह यूज़ करके नॉन फॉसिल फ्यूल यूज़ करके ग्रीन मतलब टक बनाने की कोशिश है, बस इतना याद रखें वो एनएफए। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बहुत परेशान है कुत्तों से, कुत्तों की वैक्सीन बना बना के परेशान है, वो कहते हैं भैया कुत्तों की पॉपुलेशन कम कर दो, क्योंकि इसके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल 2023 में अमेंड करके इन्होंने बोला यार इसको सही से इम्प्लीमेंट करो ताकि रेबीज़ वगैरह कम फैले, रेबीज़ बहुत ज़्यादा फैलता है क्योंकि जवारा कुत्ते होते हैं काट लेते हैं, आप लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते नहीं हो, बात खत्म। भारत 6G, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6G मतलब 5G टेक्नोलॉजी से भी आगे निकलने की बात हो रही है, बहुत आगे की बात हो रही है। 23 से 25 तक फर्स्ट फेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है और 25 से लेकर 30 तक सेकेंड फेज में करना है, और 6G जो है 6G जो आएगा उसमें जो स्पीड है यानी 5G की स्पीड है लगभग 10 क्या नाम है आपका GBPS है, तो इसकी स्पीड जो होगी वो 1 TBPS हो जाएगी 6G की स्पीड, यानी कि बहुत लो लेटेंसी होगी और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो ये भी इम्प्लीमेंट करने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कर दी है कि 30 तक हम लोग जो है इसको दो फेजेस में इम्प्लीमेंट कर देंगे 6G प्लान, यानी 5G तो छोड़ो 6G पे जा रहे हैं। उसके बाद LMV Mark 3, इसका नाम चेंज किया गया, वन वेव इंडिया 2 मिशन जो है ये इसरो का LMV जो है ये आपको पता है Mark 3 सबसे हैवी बहुत बड़ा वो था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अभी नाम चेंज किया गया है वन इंडिया मिशन भी इसको कहा जाता है, और इसका पेलोड 5805 हरिकोटा से लॉन्च करने की श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने की बात की गई है, और इसमें जो है 72 सैटेलाइट को लॉन्च करना है, फर्स्ट फेज में 36 उसके बाद में 36 लॉन्च करना है, और LVM लॉन्चिंग व्हीकल ठीक है Mark 3 जो ये बोला है ये बेसिकली पहले जो है इसका नाम GSLV Mark 3 उसी का नाम चेंज कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना, GSLV उसका नाम क्या रख दिया है अब, यह इसरो का ने रीनेम किया है GSLV Mark 3 को, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3 कह दिया है इसको, GSLV क्योंकि लोअर ऑर्बिट में करता था और ये जो लॉन्चिंग व्हीकल नाम रख दिया गया इसका मतलब ये लोअर ऑर्बिट के बजाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी क्या नाम है इसमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी करेगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी करेगा, और क्या नाम है उसके अलावा मून पे सन पे हर जगह भेजा जा सकता है, लॉन्च कर सकता है, तो ये वाला जो है इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। और ये जो है वन वेव कॉन्स्टलेशन क्या है, वन वेव कॉन्स्टलेशन जो है LEO के अंदर ठीक है लो अर्थ ऑर्बिट
पोलर ऑर्बिट है और इसके अंदर 12 रिंग अरेंज हैं, 49 जो है सेटेलाइट्स के अंदर प्लेन में डाले जा सकते हैं, 87.9 डिग्री पर है। और ये सब मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, ये अर्थ से कितना ऊपर है, ये क्या नाम है, 1200 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के। और आप सबको पता है कि जो जियो स्टेशन सेटेलाइट होता है वो कितने किलोमीटर ऊपर होता है, बताओ ज़रा, यही तो ठीक है, जिस 1000 वाट में लिखा रहता है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या नाम, आईसीएआर ने डेवलप किया है ऐसा वीट जो कि हीट को टॉलरेट कर ले, हीट को बर्दाश्त कर ले। क्यों हीट को बर्दाश्त कर ले, क्योंकि भाई हीट में मार्च में ख़राब होने लगता था, तो मार्च में आके भी वो सही रहेगा। और ये किसने किया है, पूसा इंस्टीट्यूट का वैसे कॉमन नेम क्या है, मतलब फॉर्मल नेम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको प्रॉपरली नॉन एज पूसा इंस्टीट्यूट। दिल्ली में आप सबको पता है पूसा रोड, पूसा वो सब पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। और ये बेसिकली ऐसा, इसने मतलब ऐसा हीट डेवलप किया है जो हीट को बीट कर दे, ठीक है। इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 एंड इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 जो है ये बेसिकली ऐसा है, इसमें हरियाणा में और कर्नाटका में इस इन्फ्लुएंजा से कुछ लोग, दो लोग मरे गए हैं। तो ये भी मतलब एक है, ये बेसिकली पिग वगैरह से फैलता है ये वायरस, ठीक है। ये वेरिएंट जो है पिगों का वेरिएंट है, लेकिन इंसानों में भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेक्ट किया जा सकता है। IIT कानपुर ने डेवलप किया है एनर्जी इफिशियंसी सिस्टम, जैसे हाइपर लूप वो उसने डेवलप करना शुरू किया था, किसने, एलन मस्क ने, पता है ना, उसी तरह की हाइपर लूप की बात कर रहा है ये IIT कानपुर वालों ने बात की है एलन मस्क, लेकिन एलन मस्क भैया परेशान हो गए, उन्होंने कहा पैसा बहुत लग रहा है, इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको बीच में रोक देते हैं, तो उन्होंने रोक दिया। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग खेलेंगे, मतलब एलन मस्क नहीं कर सकता लेकिन हम करेंगे, तो खेल लो भैया, IIT कानपुर वालों ने प्रोटोटाइप बनाया है, तुम भी खेल लो, है भाई, क्या आवाज़ नहीं आ रही मेरी, बता दिया तुमने। इसरो ने लॉन्च किया है सेकंड डेवलप्ड फ्लाइट, ये क्या नाम है, सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट SSLV-D2, ये लॉन्च किया है, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, और ये लॉन्च किया है, इसका पेलोड वोलोड मैं बता चुका हूँ, पेलोड क्या मतलब क्या क्या लेकर गया है, तो EOS-7 Genus-1 और आज़ादी SSAT-2 बेसिकली बच्चों का एजुकेशनल सेटेलाइट है, ठीक है, बच्चों ने डेवलप किया। ES-2 जो है ये बेसिकली इसरो ने डेवलप किया है, Geno-1 जो है ये USA ने डेवलप किया है और इसको भेजा है अंतरिक्ष के अंदर। उसके अलावा हमारा जो ये जो है मतलब स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए है, ये क्या नाम है आपका, आज़ादी वाला, तो इसको याद कर लीजिएगा, बस ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसको हमने लॉन्च करवाया है अभी। नासा SpaceX Crew-6 मिशन, ये SpaceX Crew-6 मिशन मतलब क्या है, एक मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्रू को भेजना चाह रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो पहुंचे बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में जा के रह के आ जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कह रहे हैं उससे आगे भी तो जाओ, ठीक है। तो इसके साथ किसके साथ मिल गया, एलन मस्क के साथ, SpaceX जहाँ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब एलन मस्क मिला हुआ है, तो इसने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा कि और पैसा मिले मुझे। रेड टाइड जो है, अच्छा ये फ्लोरिडा वगैरह से ही लॉन्च होता है ज़्यादातर जो होता है ना, ये स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च होता है, तो वहीं पर रेड टाइड हुआ है। रेड टाइड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता रेड टाइड क्या होता है, बताया कि नहीं बताया, अभी इन्वायरमेंट में इतना पढ़ा है रेड टाइड, ठीक है। उसके बाद में जियांग में 26 सैटेलाइट इसने लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये मतलब इसने चाइना ने, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट, ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें बस एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मतलब चाइना का फर्स्ट सैटेलाइट है जो मोर देन 100 GB/s का मतलब वो डेवलप करने के लिए वो है। इसके अलावा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो भारत OS है। भारत OS एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, भारत OS ऑपरेट, आपको पता है OS क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भारत OS जैसे एंड्रॉयड होता है, जैसे iOS होता है, उसी तरह एक भारत OS बनाया है जिसके ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाए जाएंगे, ओके, मोबाइल मतलब वो काम करेगा OS सिस्टम। ये इंडिया का है और ये बहुत सिक्योर है। सिक्योर कैसे, जैसे पहले क्या होता है कि आपसे हर ऐप जो है सिक्योरिटी मांगता रहता है, बार बार अपडेट करने के लिए बोलता रहता है, तो ये खुद ही अपडेट होकर सिक्योरिटी फीचर्स अपने अपडेट रखेगा। ये भारत OS है जो इंडिया ने डेवलप किया है अपना खुद का OS, ओके, भारत OS, फाइन।
किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास ध्यान रखिएगा उसको, लेकिन उसको मतलब नोट दिया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी वगैरह ने। और जूस, उसके बाद में जूस स्पेस मिशन यूरोप का, जूस स्पेस मिशन बेसिकली किसके लिए? जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर है। इसके अलग ज्ञानमीडा पे जा रहा है। ज्ञानमीडा क्या है आप सबको पता है? ज्ञानमीडा क्या है अगर नहीं पता तो जान लो। ज्ञानमीडा सबसे बड़ा सेटेलाइट है, जुपिटर का सेटेलाइट है और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सेटेलाइट है। उसके अलावा ग्लेस्टो और यूरोपा, ये जो है सैटेलाइट है किसके? मून पे, इसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे। जाने दो हमें क्या करना है, जूस जूस पिए, जूस निकाले, ठीक है। जुपिटर का मून है, जुपिटर का फिफ्थ, वैसे तो जुपिटर जो है फिफ्थ प्लेनेट है आपको पता है उसको, और लार्जेस्ट जो है प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और उसके पास जो है ज्ञानमेडा बिगेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, इवन मरकरी से भी बड़ा है। इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ज्ञानमेडा के ऊपर। पता था आपको ना, अभी तो मैं बता भी चुका हूँ वैसे। ज्ञानमेडा पता नहीं है? हाँ, क्यों नहीं पता रहेगा? मेरी आवाज रिपीट हो रही है, माइक बंद करो, ठीक है। उसके बाद में जब पूछूं तो नोरा वायरस जो है केस केरला में डिटेक्ट हुआ है, तो नोरा वायरस हो या नोरा फाते ही हो मुझे क्या करना है ना? नोरा वायरस डिटेक्ट हुआ तो डिटेक्ट हुआ, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, केरला में हुआ है, ठीक है। बस इसको याद रखो, इसको विंटर वॉमिटिंग डिसीज भी कहा जाता है, वॉमिटिंग करवाता है और इससे डेथ भी हो सकती है, इन्फेक्ट हो जाता है ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आके। नोरा ये कहाँ पे हुआ है? केरला के अंदर, कहाँ पे? इनकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो बस इसको याद रखिएगा, इतना बहुत है, ठीक है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कराता है ये, ठीक है। वायरल डिसीज़ है, विंटर, इसको विंटर वॉमिटिंग डिसीज़ कहते हैं। तो विंटर वॉमिटिंग डिसीज़ बोलते या बोलते नोरा वायरस से कौन सा डिसीज़ होता है, या बोलते कहाँ पे हुआ है, तो आप बता सकते हो। बता सकते हो नहीं बता सकते? उसके बाद में फिर देखिए आपका स्काई हॉक, इंडिया फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। ये स्काई हॉक एक बनाया गया है 5G एनेबल्ड, जो वर्टिकल लॉन्चिंग करता है, वर्टिकल उतर सकता है। स्काई हॉक जो है ये मतलब 5 किलो लेके जाके, मतलब 5 किलो आई थिंक इसकी कैपेसिटी है, 10 किलो है, 10 किलो पेलोड लेके ऊपर जा सकता है, 5 घंटे तक रह सकता है और सीधे वर्टिकल ऊपर उड़ जाता है। इसको रनवे वनवे की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक मतलब नाविक प्लस GPS सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। नाविक आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ मैं, नाविक सिस्टम सबको पता है ना? क्या मैंने नाविक नहीं बताया आप लोगों को? इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक ही तो है, जिसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, IRNS बोलते थे ना, तो वो नाविक, उसका नाम बाद में चेंज कर दिया, GPS नेविगेशन सिस्टम है जो। तो GPS हमारे मतलब अमेरिका का है, बताया आप लोगों को, नाविक हमारा है, मैंने बताया, लिखवाया भी है, गगन भी लिखवाया, आप लोगों को लिखवाया नहीं लिखवाया? इंडियन नेवी लॉन्चेज INS अर्नाला। अरनाला पता है एक्चुअल में एक आइलैंड है, जो कि शिवाजी ने उसको बहुत इंपॉर्टेंस नाम दिया था, तो इन्होंने INS अरनाला नाम दे दिया है। ये एक्चुअल में INS अरनाला जो है ये इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर में स्वेलो वाटर में ये देख चलता है। और ये जो है मतलब अरनाला जो है ये क्या नाम है आपका, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है एक्चुअल में, इसका नाम पूछ सकता है कि अरनाला क्या है? तो अरनाला एक्चुअल में एक एंटी क्या है, लो इंटेंसिटी मतलब एंटी सबमरीन ऑपरेशन का नाम है एक तरह से, या एंटी सबमरीन वो ऑपरेशन में लॉन्च की गई एक वो है INS है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द 8th इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्वेलो वाटर क्राफ्ट है। तो ASWSWC इसको याद रखिएगा ये है। और उसके बाद में ये पूछ सकता है कि ये लॉन्च कहाँ किया गया है, तो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ऑफ LNT इन चेन्नई, वहाँ लॉन्च किया गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है स्वेलो वाटर में, बिल्ड किसने किया है इसको, गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने, GRSC ने इसको बिल्ड किया है। और ये जो है मतलब लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस में काम आता है। अरनाला क्यों सिग्निफाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि छत्रपति शिवाजी ने आइलैंड अरनाला का इंपॉर्टेंस बताया था, तो उसी पे है। प्रोजेक्ट वानी एक्चुअली गूगल और क्या नाम है आपका आर्ट पार्क, AI रोबोट टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल और ISC बेंगलोर, इन लोगों ने मिलकर ना एक प्रोजेक्ट वानी दिया है, जिसमें कुछ नहीं है एक्चुअल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है वानी, जो कि हमारे इंडिया में ना तरह तरह की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे हम लोग तो उसको मैप करने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम अवधि बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसको डायरेक्टरीज को चेक करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको करने के लिए कि मतलब उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जाए और गूगल उसको रिकॉग्नाइज कर सके और बेसिकली उसको यूज़ किया जा सके। सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफिक SWAT मिशन है। SWAT मिशन SpaceX के साथ मिलकर, देखो अब नासा ना सारे काम SpaceX के साथ मिलकर ही कर रहा है, खूब पैसा, खूब करप्शन खूब करवाया होगा इसने, है ना, खूब पैसा दिया होगा इन लोगों को कि भैया सारे मिशन में हमें ले ले, है ना।
सस्ता भी दे रहा होगा, वैसे उसके इतना अभी कोई आगे पहुंचा भी नहीं है किसी को, और को दे, प्राइवेट किसको देने वो लोग। शॉर्ट जो है ये क्या है, शॉर्ट क्या है अभी, ये स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट नहीं है। शॉर्ट ये है सरफेस वाटर क्या नाम है ओशियन टोपोग्राफी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जितना भी ओशियन का वाटर है और जितना भी सरफेस पे वाटर है उस सबको मैप करने के लिए है, और उस सबको मतलब मॉनिटर करने के लिए कितना अवेलेबल है। 3 साल का ड्यूरेशन में मिशन है, ट्रैक करना है नियरली ऑल द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जितना भी वाटर है सबको मॉनिटर वो करना है। उसके बाद में यूएस ने अनाउंस किया है हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया था, जिसमें जितनी एनर्जी लगाई थी उससे ज़्यादा एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस करी, ये पहली बार हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्होंने लेज़र यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, और उसमें फ्यूजन करा के इन्होंने उससे ज़्यादा एनर्जी मतलब प्रोड्यूस कर ली, जितनी एनर्जी लगाई थी ऐसा पहली बार हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि मैंने मतलब हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू, ठीक है, ये है। उसके बाद इसरो का PSLV C-53 लॉन्च हुआ है। PSLV मतलब आपको पता है क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। C-54 लॉन्च हुआ है और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, और ये क्या लेकर गया, EOS-6 पेलोड लेकर गया है, OCEAN-SAT-2 लेकर गया है, ऑटोक्रास्ट लेकर गया है। तो ये थोड़ा सा, और ऑटोक्रास्ट क्या है बेसिकली, ऑटोक्रास्ट जो है वो बेसिकली US का इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पेलोड है। और उसके बाद में ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकोवेक्स तो सबको पता है क्या है, इनकोवेक बहुत न्यूज़ में आया है, उसको अप्रूव कर दिया है DCGI ने। DCGI पता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, और आपको पता है ये जो है इसने इंट्रानेशनल वैक्सीन है ये, और ये SARS-CoV-2 जो है वायरस यानी कि कोरोना वायरस वगैरह से रिलेटेड जो भी उसी के वेरियंट के जो मेडिसिन है, इसको भारत बायोटेक ने बनाया है, और ये इंट्रानेशनल क्या नाम है नेशनल है, ठीक है, वैक्सीन है। और ये वैक्सीन जो है किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। इसको पार्शली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया हुआ है, और SARS जो है बस इसको याद रखिए। और ये पूछ सकता है इनकोवेक क्या है, तो इनकोवेक जो है वो SARS-CoV-2 का मतलब वैक्सीन है, जो इंट्रानेशनल वैक्सीन है, इसको याद रखिएगा। और ये याद रखेंगे भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, बस इतना याद रखो, एनएफ है। मेथेन अलर्ट, ये क्या है, मेथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स, ये सिस्टम जो है ये बेसिकली जो आपका वो हुआ है ना क्या है शरम अल शेख के अंदर जो 27th कॉप हुआ है UNFCCC का, जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, बताया था ना, उसमें ये मैथेन इमिशन का डेटा वगैरह प्रेजेंट करने के लिए है ये। इसके लिए हम लोगों ने इंडिया ने अपना इनिशिएटिव ले लिया है, जिसको बोलता है हरित धारा। हरित धारा जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें यह है कि एग्रीकल्चर कैटल वगैरह जो मैथेन का इमिशन कराते हैं उसको रिड्यूस करना है मिल्क प्रोडक्शन वगैरह में। उसके बाद में आपका आर्टिमिस वन क्या है, ये एक्चुअल में ये डमी भेजेंगे, इसमें 3 मून पे डमी भेजने के लिए है कि उन पे भेज दो। ओरियन जो है ना वो एक कैप्सूल है जिसमें 3 डमी रखा जाएगा और भेजा जाएगा, ताकि इंसान को वहां पे भेजना और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग आसान हो सके उसके लिए। तो आर्टिमिस 1 इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये बेसिकली नासा ने लॉन्च किया है आर्टिमिस 1, ठीक है, याद हो जाएगा। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। अच्छा, किसी को पता है क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है और किसको मिला है, ये मिला है, आप इनको याद कर लीजिएगा, क्रोलेन आर बर्तोजी, इन लोगों का भाई नाम बहुत टफ होता है, आप लोग खुद ही नोट कर लीजिएगा। स्टेफर्ड यूनिवर्सिटी USA के हैं, और उसके अलावा मॉर्टेन मेल्डल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के हैं, और उसके बाद में के बेरी सापलेस, इनको 2 बार मतलब मिल चुका है क्वीन, इसमें 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर हैं ये। और इसमें जो है ये के बेरली सापलेस, इन्होंने ये भी कैलिफोर्निया इसके क्या नाम है लाजोला USA के हैं। तो ये बेसिकली इन लोगों ने जो है अलग अलग उसमें काम किया है, लेकिन फाइनली इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री के अंदर काम किया है, और इसलिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2022 का। क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है इसका अभी फिलहाल आप इसमें याद कर लीजिए कि फंक्शनल फॉर्म ऑफ द केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री इन विच द मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक स्नैप टुगेदर क्विकली एंड इफेक्टिवली। इससे क्या होता है, बाई प्रोडक्ट कम बनता है कोई, मतलब जैसे बेस्ट प्रोडक्ट, केमिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बाई प्रोडक्ट जो जितना मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनता है और उसी टाइप से बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है जो कि केमिकल हाजर्ड होता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्विकली अपने आप को रिप्लीकेट करता है, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब स्नैप स्टेप बना देता है, उसी तरह की रिप्लिका बना देता है। और ये जो है इसमें मतलब ये जो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, और इसलिए जो है
बाय प्रोडक्ट का मिलता है बनता है, और ये मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी पे इन्होंने काफी काम किया है, तो इन तीनों को नोबेल प्राइज इस बार केमिस्ट्री का क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। तो इतना याद रखिएगा, और इन तीनों का नाम अगर आप याद रख पाए तो प्लीज याद रख लीजिएगा। हैं भाई, कर पाएंगे? मेरा हाथ लग गया क्या? कौन सा पेज नंबर था? पेज नंबर जरा मुझे बताना। 100 ओके। तो इन लोगों का नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद कर लेंगे। कौन है? क्रोलेन आर बेटोजी, मॉर्टन मेल्डल, मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है, अपना माइक बंद कर लो, रक्षा, के बेरी शार्पलेस, ठीक है? के बेरी शार्पलेस, इनका नाम याद कर लो। उसके बाद में फिर आपका जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जो है, इस ये जो है आप किसके लिए मिली है? जीनोम के लिए। ये किसको मिली है? स्वांते फाबो, स्वीडन के हैं ये, स्वांते फाबो। अब स्वांते फाबो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा इनका नाम क्या होगा, आई डोंट नो, मतलब स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है? स्वांते फाबो मेरे समझ से पाबो, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन उसके हिसाब से, ठीक है? बाकी उनकी क्या प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा, अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है? उसके बाद में क्या नाम है, स्वांते फाबो ने क्या किया है, एक्चुअल में जो ह्यूमनीज हैं मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन में जीनोम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और उसमें जो हमारे नियरेस्ट जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ह्यूमन बींग, उनकी जीनोम से इन मतलब उस पर स्टडी की है, तो उस स्टडी के लिए मिला है। और एक इस को ध्यान रखिएगा कि पेलियोजिनोमिक्स एक मतलब ब्रांच है जो है, न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन है, जिसके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस हम देखते हैं लिविंग ह्यूमन बीइंग में और एक्सटिंक्ट जो होमनीज जो एक्सटिंक्ट हो गए उनके बीच में। तो इन्होंने मतलब ये काम किया था इसी चीज़ के ऊपर, माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए वगैरह निकाल के इन्होंने पूरा मतलब डिस्कस वगैरह किया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर ऑफ द सेल होता है, और उसके पास भी डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लिमिटेड ज्योमेट्री मटेरियल होता है, लेकिन ये इसको होमो सेपियंस वगैरह की इनकी रिसर्च से होमो सेपियंस के बारे में इनके एवोल्यूशन को समझने में काफ़ी मदद मिली है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया है। बात समझ में आ गई? अरे भाई इतना भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा यार, कुछ याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? साजिया तुम बताओ यार, पकड़ पा रही हो थोड़ा? ओके। उसके बाद नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में किसको मिला हुआ है? तो इसमें भी तीन लोगों को मिला हुआ है, आप तीनों लोगों का नाम याद कर पाओ तो कर लो, मैं मुझे नहीं पता, ठीक है? एलेन आस्पेक्ट, ठीक है, ये भाई साहब हैं फ्रांस के। उसके बाद जॉन एफ क्लॉसर, ठीक है, ये हैं यूएसए के। एंटोन जेलिंगर, ये हैं वियना के, ऑस्ट्रिया के, ठीक है। इनको किस लिए मिला है? इनको मिला है एंटेंगल्ड प्रोटॉन्स के एक्सपेरिमेंट के लिए, और बेल इनइक्वालिटी को मतलब बेल इनइक्वालिटी का वायलेशन प्रूफ करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि यार ये एंटेंगल्ड प्रोटॉन्स क्या होते हैं और बेल इनइक्वालिटी क्या होती है, तो भैया इसके लिए मेरी तरह से मतलब फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, या फिजिक्स ऑनर्स करना पड़ेगा, या एमएससी फिजिक्स करना पड़ेगा, या रिसर्च करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि श्रीडंगर ने एक्चुअल में इरविन श्रीडंगर था, उसने जो है क्या नाम है आपका, क्वांटम एंटेंगल्ड मेंट के बारे में बात की थी, और उसने जो है बेसिकली बात की थी, उसने एक कैट पैराडॉक्स दिया था। कैट पैराडॉक्स कभी सुना है आप लोगों ने? एक कैट पैराडॉक्स एक थ्योरी दी थी, क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी है कैट पैराडॉक्स के ऊपर ये है, और एक बेल इनइक्वालिटी भी एक थ्योरी है, स्टुअर्ट बेल ने दिया था। तो ये दो थ्योरीज हैं जिनके ऊपर इसने एक तो मिला क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने बेल इनइक्वालिटी को जो है वो मतलब वायलेट करने वाले एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं कि मतलब ये इनइक्वालिटी ठीक नहीं है, और दूसरा कैट पैराडॉक्स के ऊपर जो है इन लोगों ने क्वांटम थ्योरी में ये बात की है कि कुछ ये पैराडॉक्स जो है, ठीक है, ये इसके ऊपर बात हुई थी क्वांटम थ्योरी के बारे में। मतलब जब तक आप क्वांटम थ्योरी को इतना कॉम्प्लेक्स बता दिया था कि जब तक आप उसको देखोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे। कैट पैराडॉक्स का मतलब ये था कि अगर आपने किसी कैट को, अब थोड़ा जनरल भाषा में समझा दे रहा हूँ, क्वांटम थ्योरी को उन्होंने इस तरह समझाने की कोशिश की थी कि अगर किसी कैट को आपने किसी सील्ड बक्से में बंद कर दिया और उसके अंदर कोई पॉइजन वगैरह रख दिया जिससे, तो आप तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैट जिंदा है या मर गई जब तक कि आप उसको खोल के नहीं देखोगे, क्योंकि 50% चांसेस हैं कि वो जिंदा रहे, 50% चांसेस हैं कि वो पॉइजन खा के मर गई हो। तो इसको कैट पैराडॉक्स कहा गया था। इसी तरह से जब तक आप क्वांटम थ्योरी को समझना इतना आसान नहीं है। और एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि भाई ये दो क्वांटम वो हैं,
क्वांटम से, तो उनके बीच में कोई कनेक्शन, चाहे वो बिलियंस ऑफ ईयर एगो हो मतलब लाइट ईयर दूर हो, तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन होता है जो उनके बीच में कोई कनेक्शन मतलब दिखता है, तो इसको दिखाया था। और इन्होंने बोला था जॉन बेल की इनइक्वलिटी क्या थी, इन्होंने बोला था कि हिडन वेरिएबल अगर कुछ हैं तो उनके बीच में जो कोरिलेशन होते हैं वो एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते, इन्होंने ऐसे मतलब दिया था। तो इसको इसको गलत प्रूफ किया है, मतलब वायलेशन इसका प्रूफ कराया है, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। बस आपको इतना ज़्यादा साइंस जानने की जरूरत नहीं है, ना ही फिजिक्स ऑनर्स करने की जरूरत है, ना ही साइंटिस्ट बनने की जरूरत है। इतना ध्यान रखो कि बेल इनइक्वालिटी और क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए भाई साहब को इस बार जो है मिला है, और श्रोडिंगर और आइंस्टाइन वगैरह ने ये बेल इनइक्वालिटी पे काफ़ी मजे लिए हैं, लेकिन आपको वो मजे लेने हैं। गेटिंग ठीक है भाई, फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च व्हीकल, क्योंकि अभी समझाने में कोई वो नहीं है, पर दुनिया भर की रिसर्च है, तो आपको उतना बस याद रख लीजिए, उतना बहुत है आपके लिए। अभी एग्जाम देना है आपको, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ना है। फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च व्हीकल बाय फॉर LMVs, ये देखो ये कमर्शियल लॉन्च व्हीकल जो है, LMV मतलब क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मैंने आपको बताया। इससे कमर्शियल व्हीकल वन वेब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये लॉन्च किया गया है LMV 3 से, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ, खोफू वन चाइना का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है। खोफू का मतलब, खोफू एक्चुअल में निक नेम दिया गया है, जो कि एक जाइंट के लिए यूज़ किया जाता है चाइना मैथोलॉजी में, कि जो सन का पीछा कर रहा है, तो उसके लिए इन्होंने यूज़ किया है। बेसिकली ये सोलर टेलीस्कोप है, आदित्य वन, एक लैग्रांजे पॉइंट होता है L1, आदित्य वन जो कि सोलर की स्टडी करने के लिए होता है। तो इसको देख लो, ऑप्टिमस टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑप्टिमस एक टेस्ला ने एक ह्यूमनॉइड, एलन मस्क ने जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, आपको पता है AI डे के ऊपर उसने लॉन्च किया था उसको, ऑप्टिमस उसका नाम है, ठीक है ना। ये पूरा क्या नाम है, ह्यूमन रेस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है बंदा, ठीक है। हम लोगों ने भी कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए हैं, जैसे मानव IRA SDFC का है, ध्यान रखिएगा, और मानव को IIT मुंबई ने बनाया था, 3D फेस्ट पे अपने यूज किया था, और मित्रा जो है ये कस्टमर रोबोट है, बैंगलोर बेस्ड इन्वेंटो रोबोट कंपनी ने इसको किया था, बस मित्रा याद रखिएगा थोड़ा बहुत कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्चेस टेलीमानस इनिशिएटिव। टेलीमानस इनिशिएटिव क्या है, वर्ल्ड मेंटल डे पे टेलीमानस इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये ध्यान रखिएगा कि टेलीमानस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है 2022 में, वर्ल्ड मेंटल डे पे इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको याद ये रखना है कि वर्ल्ड मेंटल डे कौन से दिन मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसरो का SSLV-D1 EOS मिशन, फिर वही आजादी सेट और श्रीहरिकोटा वाला वही बात, EOS-2 जो है वो मैंने आपको बता दिया था क्या है, और इंडिया मतलब लॉन्च किया था उसी टाइम, वो देख लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा, सेम वही बात है। इंडिया गेट वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंडिया ने पहला ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया है जिसमें मर्करी यूज़ किया है, उसके अलावा और भी मटेरियल यूज़ किए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें मेन मटेरियल कौन सा यूज़ है, तो आप बता दीजिएगा, मर्करी यूज़ है, ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो होता है इसमें रिफ्लेक्टिव लिक्विड के तौर पर मर्करी यूज़ किया गया, ठीक है, यूज मर्करी, ठीक है, यह याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है आपका नैनीताल से इन्होंने ये वाला जो है, जहाँ पे देवास्थल ऑब्जर्वेटरी नैनीताल में इसको मतलब वो किया है, सेटअप किया है, ठीक है। तो ये याद रखें, फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आपको पता है ये क्या नाम है, आपका लेडीज़ में अक्सर हो, बहुत सारे लोगों में हो जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो उसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, फॉर सर्वाइकल कैंसर, और ये एक बूंद साबित हो सकती है लेडीज़ के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर अ टाइप ऑफ कैंसर है जो कि सर्विक्स से, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस से वजाइना के जो कनेक्शन होता है वहाँ पे हो जाता है, और बहुत औरतों में, इंडियन औरतों में बहुत कॉमन हो गया है सर्वाइकल कैंसर, तो इसको बहुत लोगों की डेथ होती है इससे, तो इसके लिए मतलब अगर ये वैक्सीन सही मायने में काम कर जाती है तो एक बूंद साबित हो सकता है, ठीक है। नाम वैक्सीन का ध्यान रखिएगा, ये क्या नाम है, सर्वावेक है, तो कभी हो सकता है गलती से क्वेश्चन पूछ ले, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया और इंडियाज फर्स्ट क्वाड्री ह्यूमन प्रोपिलोमा वायरस वैक्सीन है ये, ठीक है, जो कि अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद में आपका पृथ्वी 2 मिसाइल, अब मैं मिसाइल बहुत बार बता चुका हूँ, पृथ्वी 2 मिसाइल भी बता चुका हूँ, कैसी मिसाइल है, क्या है, ये आप घर पे पढ़िएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको तो आपको पता है कि इसमें जो है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, ये अग्नि 5 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, याद रख लीजिए। उसके बाद परम गंगा सुपर कंप्यूटर, अच्छा परम गंगा हमारा सुपर कंप्यूटर की अगर बात कर ले तो हमारे इंडिया में सबसे मतलब पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताओ भाई, इजान की वीडियो देखी नहीं तुम लोगों ने बदमाशों,
विज़ान की वीडियो देखी या नहीं देखी वाली है? नहीं देखी? सारा सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया मेरे बेटे ने, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कौन सा है, कौन सा मतलब वो है। तो सुपर कंप्यूटर जो है परम गगन सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में सबसे पावरफुल नहीं है, लेकिन वन ऑफ द पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, जिसको एक मिशन चलाया गया था। आपको पता है कि जो एकेडमिक्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम से उन इंस्टीट्यूट को जोड़ा जाए, तो उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट में इनको इंस्टॉल किया जा रहा है जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर है। इसमें IIT रुड़की में इसको परम गगन को इंस्टॉल किया गया। इसकी जो स्पीड है वो 1.67 पेटाफ्लॉप है, लेकिन इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI। क्या है बोलो भाई? परम सिद्धि AI। और परम सिद्धि AI जो है उसकी जो है 5.67 ऐसे पेटाफ्लॉप में जाती है स्पीड, तो इसको याद रखिएगा। और जो सुपर कंप्यूटर की वर्ल्ड में लिस्ट निकालते हैं उस लिस्ट को क्या कहते हैं, इजान ने बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं याद होगा तो ध्यान रखो, टॉप 500 आ जाता है, ठीक है, टॉप 500। और इसने वर्ल्ड में सबसे टॉप पर कौन था उस समय, US का फ्रंटियर था, कौन सा, जिसने पहला वो था US का फ्रंटियर, जिसने पहला मतलब पेटाफ्लॉप में भी वो पेटाफ्लॉप से भी आगे एग्जा फ्लॉप पे निकल गया था, यानी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी स्पीड हो गई थी। ओके, लिंचपेक बेंचमार्क पे, तो मैंने आपको लिंचपेक बेंचमार्क पे जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो मैं और ये इसके अलावा जो है प्रीवियस कंप्यूटर जो लॉन्च किया गया था IIC बेंगलोर के अंदर दिया परम प्रवेगा था। और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम शिवाया है, जो कि IIT BHU में इंस्टॉल किया गया था। परम शिवाया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो असेंबल किया गया था इंडिजिनियसली डिज़ाइन, वो क्या है, परम शिवाया। और इसी तरह से बहुत सारी लॉन्च की गई हैं, तो आप याद रखें। और उसके अलावा परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है, ये नेशन को डेडिकेट किया गया था नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत, और ये इनोग्रेट किया गया 2022 के अंदर NIT त्रिचुपल्ली में। और स्टेप दो फेज में सुपर कंप्यूटर मिशन लगाया गया है। CDEC इसमें काम करता है, मतलब CDEC सॉफ्टवेयर स्टेक डेवलप जो है CDEC करता है। CDEC का आपको पता है, CDEC कौन है आप सबको पता है, CDEC क्या है, नहीं पता तो जान लो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये है, और जो ये इंडिया में मेन वो है सुपर कंप्यूटिंग में काम करने वाला बंदा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। ओके, तो बस इतना याद रखें आप, बस इतना आपके लिए बहुत है अभी फिलहाल। और बाकी परम शिवाय परम ये क्या नाम है, परम शक्ति AI सिद्धि फ्रंटियर और बेंच ये क्या नाम है लिंचविंग इसका क्या नाम फ्रंटियर वगैरह जो है US फ्रंटियर है, या उसके अलावा जो है आपका जापान का क्या है फोगू, क्या नाम है उसका, फोगू इतुराम है ऐसी कुछ नाम है, तो उसको ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं तो उनको थोड़ा सा एक बार एक लिस्ट देख लिया, टॉप 5 कंप्यूटर इंडिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर परम सिद्धि, उसके बाद में परम सिद्धि आई आ गया, ठीक है भाई, याद हो जाएगा हमें जल्दी। मैं यार ज़्यादा डिटेल तो नहीं कर सकता ना, कर सकता हूँ क्या, ठीक है, थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन आएगा आपके प्री में, ठीक है, एक लाइन का लाइनर आएगा, अगर आपके दिमाग में रहा तो आप मुझे लगता है कि कर ले जाओगे कि नहीं। अब बोलो भी मत, बोल दो यार। हाँ, INS वक्सीर क्या है एक्चुअल में, 6 P-75 भी मैंने एक्चुअल में पढ़ाया पहले आपको, ये 6 सबमरीन आनी थी, एक प्रोजेक्ट दिलाया गया था P-75। इस प्रोजेक्ट 1999 से चल रहा था, और ये मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, पुराने बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। तो ये P-75 उसके अंदर ना सबमरीन को लाना था, उसमें से लास्ट सबमरीन आई है INS वक्सीर आई हुई है, और जो कि 20 अप्रैल 2022 में लॉन्च की गई। इससे पहले जो है बहुत सारी आई हुई हैं, उनके 5 आ चुकी हैं, 5 के नाम देख लीजिए क्या है, ये स्कॉर्पियन क्लास फ्रेंच स्कॉर्पियन या कलवेरी क्लास सबमरीन कही जाती है इसको। ये 5 सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 के अंदर, 6 सबमरीन आनी थी जिसमें से 5 पहले आ गई थी, और अभी एक आई है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है INS कलावरी UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, UPSC में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, बहुत बार आता रहता है। तो दिसंबर 2017 के अंदर, फिर कंधारी 2019 के अंदर, फिर क्या नाम वागीर जो है ये नवंबर 2020 में, फिर करंज मार्च 2021 में, फिर नवंबर में वेला, और अभी कौन सा आया है जरा बताओ, दिखा नहीं रहा हूँ, बताओ फटाफट से कौन सा आया, ठीक है, वक्सीर। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, तो आपको अब ये प्रोजेक्ट P-75 के लास्ट मतलब सीरीज में लास्ट वो थी,
ठीक है। उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई है, जो आपको पता है बायोफ्यूल के अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग करके मतलब ऑयल को यूज़ करने की बात की गई है, और इसमें 5% कम से कम एथेनॉल यूज़ करने की बात की गई है। यूएसए, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया जो है फ्यूल ब्लेंडिंग करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रायल फ्लाइट ऑफ गगन, ये देखो गगन हमारा जो है ना बहुत पुराना सिस्टम है, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और क्या नाम है आपका मतलब मेन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें, और उसके अलावा जो है इसरो, इन लोगों ने मिलकर जो है डेवलप किया था। और इसको क्या था, नेविगेशन इंडियन जो मतलब सर्विस इंडिया के ऊपर जो सर्विसेज है उनमें नेविगेशन गगन करे, यानी वो मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन ये सिस्टम है, जिससे वो रडार मतलब गाइड करे उसको एरोप्लेन वगैरह को। तो ये लॉन्च बहुत पहले किया गया था, लेकिन इसको सिविल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया था। 2015 में लॉन्च किया गया, लेकिन सिविल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया था। इसको 28 अप्रैल 2022 में, ठीक है, 28 अप्रैल 2022 के अंदर जो है इन्होंने किशनगढ़ एयरपोर्ट के पास इंडिगो जो है उसने गगन यूज़ करके अपना पहला फ्लाइट लॉन्च किया था, मतलब टेक ऑफ और लैंड किया था, लैंडिंग ऑपरेशन में गगन को यूज़ किया था। तो इसलिए जो है ये मतलब वो हो गया फेमस अजमेर के पास, ठीक है। तो गगन ATR-72 एयरक्राफ्ट के अंदर ये यूज़ किया गया, गगन पहली बार यूज़ किया गया नेविगेशन सिस्टम के तौर पर इंडिया में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले यूज़ नहीं किया गया है इसको, लेकिन मिलिट्री पर्पज़ वगैरह के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन इंडिया में जो सिविल पर्पज़ के लिए नेविगेशन सिस्टम के लिए जो यूज़ किया गया वो पहली बार यूज़ किया गया इसको, ठीक है। पूरे एशिया में पहला ऐसा नेविगेशन सिस्टम बन गया, जो कंट्री इंडिया पहली कंट्री बन गई जो कि एशिया के अंदर, ठीक है, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव सच अ लैंडमार्क, क्या कि इंडिजिनियसली डेवलप जो है नेविगेशन सिस्टम से जिसने अपना पूरा मतलब एयरक्राफ्ट लॉन्च करवाया हो। तो इंडिगो ऐसा पहला जो है एयरलाइंस बन गया, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और गगन आप लोगों को पहले ही पता हुआ है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसरो ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है, ठीक है। नेविगेशन सर्विस ओवर इंडियन FIR मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, ठीक है। फर्स्ट लॉन्च 2015 में हुआ था, लेकिन सिविल यूज में नहीं था। GPS और इसकी फुल फॉर्म क्या है गगन की, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद में सेमिकॉन एक कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन का जो है सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। इसका थीम था कैटेलाइज इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, यानी कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को आगे बढ़ाने का है। तो ये मेन आपके न्यूज़ थे। उसके बाद में शॉर्ट में जो न्यूज़ है उसमें से मैं तो कुछ न्यूज़ आपको बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लेजर कार्बन टू प्रोड्यूस आपका हाइड्रोजन, तो ये बहुत वो नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन ठीक है रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। राइट टू हेल्थ, ये इम्पोर्टेंट है। राइट टू हेल्थ बिल जो है ये राजस्थान लेकर आया है। राइट टू हेल्थ मतलब राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है, केयर विदाउट प्री पेमेंट। जैसे अगर कोई इमरजेंसी केयर आता है तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, पहले आपका पेमेंट आपका इलाज होगा उसके बाद फिर पैसे की बात आएगी। उसके बाद में उसके अलावा वायु लिंक प्लेटफॉर्म है, IAF डेवलप ने उसने किया है वायु लिंक प्रोग्राम। एक्चुअल में क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, वायु लिंक जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है। किसका है ये कम्युनिकेशन सिस्टम, IAF का। IAF क्या है आपको पता है, ये पायलट्स को ऐड देगा बैड वेदर में, ठीक है, IAF इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और SkyUTM ये क्या है, फर्स्ट एडवांस ड्रोन है जो एयर ट्रैफिक को मतलब एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये यूनियन मतलब एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्रोन है ये बेसिकली मतलब क्या करता है, ये मतलब ट्रैफिक को मैनेज करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये आपका स्वास्थ्य गर्भ ऐप है, ये एम्स ने और IIT रुड़की ने डेवलप किया है ताकि डॉक्टर से टच में रहें प्रेगनेंट वुमेन, ठीक है, तो बहुत आसान है। और IIT रुड़की और एम्स का नाम याद रखिएगा, इन्होंने PM स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है, इसको याद रखिएगा, एक ऐप है। उसके अलावा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इतना ध्यान रखिए कि ये इंडिया की फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है, बस इंडिया की फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर द लाइफ साइंस डेटा, इसके लिए है ये। उसके बाद में बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी UK बेस्ड स्टार्टअप है जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब ये क्या है स्टार्टअप है, क्लेम करता है टू हैव डेवलप बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट कैन अल्टर द स्टेट ऑफ प्लास्टिक, और इसको बायोडिग्रेडेबल ये बना सकता है। ये बोलता है कि हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल हो जाए। तो ये बात जो है ये
कौन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये जो है यूके बेस्ड मतलब एक है उसने क्लेम किया है, हम लोग नहीं मानते इसको, चलो मान लेते हैं ठीक है। और जियो मैग्नेटिक स्टोम, ये भी जियो मैग्नेटिक स्टोम भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो आ जाए। गोस सेटेलाइट जो है बेसिकली जियो स्टेशनरी और ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सेटेलाइट है, और ये मतलब ये सीरीज़ है पूरी, चार नेक्स्ट जनरेशन वेदर सेटेलाइट है जिसमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके अलावा हाँ, हुकुतो, हुकुतो आर मिशन जापान का, ये हुकुतो आर मिशन जापान का, जापान ने मतलब ये सेटअप किया है, इसने स्पेसक्राफ्ट मून पे लॉन्च करने की बात की है। फर्स्ट ऐसा नेशन है जिसने प्राइवेट कंपनी को ये काम कर मतलब प्राइवेट, फर्स्ट ऑफ एनी नेशन एंड फॉर अ प्राइवेट कंपनी की वो लॉन्च करे इस तरह का मिशन मतलब स्पेसक्राफ्ट, और नेशनल स्पेस एजेंसीज ने इसको लॉन्च किया हुआ है लेकिन किसी प्राइवेट ने पहली बार, ठीक है। तो मून पे जा रहा है, तो ये हुकुतो आर मून मिशन जापान का है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा देखें। उसके अलावा आपका जो है स्पेस एक्स फैलकॉन हैवी के थ्रू जा रहा है, मतलब वही एलोन मस्क करवा रहा है जापान के सेटेलाइट को। उसके बाद विक्रम एस जो है ये इसरो ने लॉन्च किया है, विक्रम एस जो है ये फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड वो है और मतलब रॉकेट है विक्रम एस, ठीक है। स्काई रूट कंपनी, वही जो मैंने आपको बताया उसका पहला प्रोजेक्ट था ये, जो जिसने लॉन्च किया था प्रारंभ के रूप नाम से, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है, और आपको पता है कि हैदराबाद बेस्ड है स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अब इंडिया में प्राइवेट मतलब स्पेस में लोग घुसने लगे हैं। तो वो है सक्सेसफुली लॉन्च सबमरीन ब्लास्टिंग मिसाइल, सबमरीन ब्लास्टिंग मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल में बता चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फॉरएवर केमिकल, हाँ फॉरएवर केमिकल एक याद रखिए, पर या पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, ये रेन वाटर, रेन जब बारिश हो रही है तो रेन वाटर के थ्रू ये एक सब्सटेंस मिला है जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है, और मतलब ये कहा जाता है कि केमिकल मिला है, नॉन स्टिकी केमिकल है जो कि आपके कॉस्मेटिक्स में और क्या नाम है स्टेनलेस रेजिस्टेंस में और इसमें सब में पाया जाता है, जो कि बारिश के थ्रू नीचे भी आ रहा है। और चाइना ने पायलट रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट बनाया है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, चाइना तो बहुत कुछ बनाता है। हमारे लिए क्या नफीस इंपॉर्टेंट है, नफीस क्या है, नफीस है नेशनल ऑगमेंटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो कि क्या करता है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने डेवलप किया हुआ है, और लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला मरा हुआ आदमी इससे आइडेंटिफाई किया गया इस सिस्टम से मध्य प्रदेश के अंदर, फर्स्ट मतलब स्टेट ऑफ द कंट्री टू आइडेंटिफाई अ डिसीज्ड पर्सन थ्रू द नफीस, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। क्वेश्चन आ सकता है, 75 रीजनल कमिटी सेशन फॉर WHO भूटान के अंदर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टोमेटो फ्लू बीच में ना बहुत फेमस हो गया था, टोमेटो फ्लू दाने वाने निकल आते हैं इसके बॉडी पे, वायरस का नाम था कोसेकी A16, कोसेकी A16, इसमें रेड और पेनफुल जो है दाने वगैरह ब्लिस्टर्स टाइप के स्किन पे हो जाते हैं, ये टोमेटो, इसको टोमेटो फ्लू कहते थे। उसके अलावा RS-27 सरमत, ये क्या है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किसका है, रशिया का है, ठीक है ना, ओके बस इतना याद रखें, उसको इतना इनफ है। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस व्हीकल जो है लॉन्च पैड, अच्छा वो सब वो थे, ध्यान रखिएगा ये स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड भी डेवलप किया गया है जो कि फर्स्ट प्राइवेट है। देखिए लॉन्च व्हीकल उससे पहले क्या है, वो सारे मतलब व्हीकल वो सब हैं, क्या नाम है आपका व्हीकल है या सैटेलाइट डेवलप किए गए हैं, लेकिन ये जो है अग्निकुल कॉस्मोस जो है उसने एक स्टार्टअप लगाया है जिसमें लॉन्चिंग पैड वो पहला बना रहा है, ठीक है ना। तो ये भी है LMV-3 Mark 2, LMV मैं आपको बता चुका हूँ क्या नाम है लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है मार्क टू, ये बार बार वही बात आ रहा है। उसके बाद INS सिंधु ध्वज, अच्छा ये INS सिंधु ध्वज आप लोगों को पता है, ये डिकमीशन कर दिया गया, बहुत पुराना है, 35 साल पुराना है, बहुत बूढ़ा आदमी है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है इसको, नेवी 1997 में इसको रखा था, उसको हटा दिया गया, मतलब कोई भी पुराना हो जाता है तो हटाना पड़ता है। तिहान क्या है, तिहान जो है ये आपको इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड नेविगेशन टेस्ट बेस्ड एरियल टेरेस्ट्रियल फैसिलिटी, तिहान जो है इनोग्रेट किया गया है, और ये तिहान बेसिकली टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन द ऑटोमेटेड नेविगेशन मल्टी डिसिप्लिन इनिशिएटिव विल मेक इंडिया ग्लोबल प्लेयर इन द फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी। तो तिहान जो है बेसिकली मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए, एमपॉक्स मंकी पॉक्स का नया नाम है, ठीक है, इसको रेशियल माना जा रहा है कि मंकी पॉक्स को रेशियल माना जाने लगा इसलिए इसको नाम चेंज किया गया। उसके बाद में आपका जो है मंकी, एक्चुअल में कभी कभी मतलब नेगोइड रेस में भी लोगों को मंकी बोल देते हैं, लोग चिढ़ाते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स नाम रेशियल माना जाता है, इसलिए मंकी नाम रेशियल माना जाता है, इसलिए इसको एमपॉक्स रखा गया। एक्सरसाइज पावर EX, ये सर्टेन टीम ने मतलब ये पावर EX 2022 एक वो बनाया, मतलब
इनिशिएटिव है ये साइबर साइबर क्राइम को रोकने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए। सर्टिन वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। सर्टिन का फुल फॉर्म आपको बताएं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। फुल फॉर्म पे उसे मत जाइएगा, वो यही है, ठीक है। उसके अलावा जो है पावर एक्स अगर पूछता है तो बता दीजिए कि कंप्यूटर रिस्पॉन्स सिक्योरिटी के लिए है, और बस इतना याद रखो ये एक्सरसाइज है। और सर्टिन, और उसके बाद में आपका काला आजार हमने कहा कि हम बजट में हमने कहा कि 2023 में इलिमिनेट कर देंगे। WHO कहता है 30 तक इलिमिनेट करो, हम कुछ ज़्यादा हीरो बन रहे हैं, ठीक है। हमने कहा 23 तक एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो एलिमिनेट क्या, हमें तो बस नाम करना है, चाहे बाकी गाँव में चाहे कितना भी काला जार फैलता रहे, हम 23 तक कह रहे हैं, WHO कर रहे हैं 30 तक कर पाओगे। हमें हीरो बनने का शौक है ना। आईएनएस विक्रांत जो है ये इंडिया का न्यूएस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल शिप है, ये जो कि शिप कैसा है, कैसा शिप है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कमीशन किया गया 2022 के अंदर। विक्रांत जो है लार्जेस्ट वॉरशिप है, जिसको आपको पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, ये हम पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को एक पढ़ाते हुए साइंस एंड टेक में, और लेकिन फिर भी आप याद रख लो इसको। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो है, इसने डिज़ाइन किया हुआ है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर किया उसने, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में है, गढ़वाल रीजन में, ठीक है। ये बनाई गई है सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव, ये सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव जो है अहमदाबाद के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये अगर पूछ ले सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ था, तो आप बता दीजिएगा कि भैया सेप्टेम्बर के अंदर जो है साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ था बस, ठीक है। UN अवार्ड जो है हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इंडिया विंस UN अवार्ड फॉर हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो इंडिया ने हाइपर टेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव लिया उसके लिए उसको UN का अवार्ड भी मिला है। फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ, अच्छा पहली बार ये जो आर्कटिक वुल्फ को क्लोन बनाया गया है, ये माया नाम है उसका, माया क्या है एक मतलब जीन फर्म ने इसको बनाया है, ये वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ बनाया है माया, जो सक्सेसफुली क्लोन किया गया और चाइना बेस्ड जीन फर्म ने इसको बनाया है, याद रखिए। उसके अलावा नासा का डार्ट स्पेस हिट टारगेट एस्ट्रॉइड, ये क्या है बेसिकली, स्पेस में एस्ट्रॉइड वगैरह को हिट करने के लिए उसके डायरेक्शन को चेंज के लिए डार्ट है, और ये सक्सेसफुली अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इंटीग्रेट क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्रायोजेनिक इंजन में पहले बात हो चुकी है हम लोगों की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड वगैरह जो है इसको बना रहे हैं, ठीक है, इसको इनोग्रेट किया गया है। आभास हाई स्पीड एक्सपेंडेड क्या नाम है, उसके बाद एरियल टारगेट दैट इज़ नॉट वो मतलब डीआरडीओ ने मतलब ये सक्सेसफुली फ्लाइट लॉन्च किया है आभास का। आभास क्या है, एरियल टारगेट वगैरह को हिट करने के लिए उड़ीसा में ही हाई स्पीड एक्सटेंडेड एरियल टारगेट ऊपर आभास मार मतलब टारगेट करने के लिए। ब्रेन रिसर्च CBR सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ये क्या है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च क्या है, ये मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2022 के अंदर इनोग्रेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, ठीक है। और ये जो ब्रेन रिसर्च है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे में इस्टेब्लिश किया गया है 280 करोड़ रुपये लगा के। उसके बाद में फिर आपका G-SAT-24 है, G-SAT-24 सेटेलाइट मतलब इसरो ने बनाया है, और इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये तेलंगाना में हैदराबाद में बनाया है, ये देख लीजिएगा। गोमती को डीकमीशन कर दिया गया, INS गोमती को मुंबई के अंदर डीकमीशन कर दिया गया है, जो कि अपनी काफ़ी टाइम तक इसने सर्विस दिया और 1988 से लेकर और अब जाके डीकमीशन किया गया है। अस्त्र मार्क वन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था हैदराबाद प्राइवेट सेक्टर भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ कि अस्त्र टू हमें सप्लाई करिए, ठीक है। ये एयर टू एयर मिसाइल है बियॉन्ड विजुअल रेंज 100 से 200 किलोमीटर तक मारती है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हाइपर लूप टेक्नोलॉजी मैंने बताया IIT मद्रास ने इसको शुरू किया था, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश है, कर लो भैया कर लो, एलन मस्क नहीं कर रहा तुम ही कर लो। फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इंडिया का फर्स्ट, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में वो एथेनॉल शराब पीने नहीं दे रहा तो बोल रहे हैं हम उससे वो बनाएंगे, क्या नाम है क्या बनाएंगे फ्यूल बनाएंगे, चलो ठीक है कर लो, ठीक है। स्फेयर एक्स मिशन है, स्पेक्ट्रा फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इपोक एंड रियोन्स आइसेज एक्सप्लोरर, मतलब ये बेसिकली ये स्पेक्ट्रम स्टडी है नासा की, इसको तो अगर आप पूछ ले स्पेक्स एक्स मिशन क्या है तो नासा का मिशन, इसको याद रखना बस थोड़ो, ठीक है। पावरथन 22 RK शर्मा ने लॉन्च किया इसको और RK सिंह ने लॉन्च किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, तो पावर से ही नाम से ही जाहिर है कि पावर से रिलेटेड ही कुछ होगा, है ना, तो कॉम्प्लेक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करना है। और बायो, उसके बाद में एशियाज लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट हम बना रहे हैं इंदौर के अंदर, कहाँ बना रहे हैं इंदौर के अंदर बना रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, ओके। तो ये हमारा मतलब मेन जो जो बातें थी वो मैंने बता दी आपको, क्या आपको कुछ समझ में आया है।
थोड़ा बहुत यार मैंने कोशिश की है कि आपको एक बार मिल जाए, मतलब ये हो जाए कि हाँ मैं एकदम कोरा कागज नहीं हूँ, ठीक है।